नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। आ जाओ, सेटिंग हो गई है। नीट पेपर लीक के किस आरोपी ने अपने भतीजे को फोन कर ये बोला, नीट की बात क्यों, नीट का पेपर रद्द किया गया और कैसे बिहार और उसके नेताओं का कनेक्शन नकल माफियाओं से जुड़ रहा है, एक एक कर आज सारी परती खोलेंगे। यूजीसी नेट परीक्षा के बारे में जान लीजिए। यूजीसी नेट की परीक्षा 83 सब्जेक्ट्स में हुई थी। एग्जाम एक ही दिन दो शिफ्टों में हुआ था। पहले शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक हुई, दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक थी। ये परीक्षा देश के 317 शहरों में हुई थी। 11,21,000 अभ्यर्थियों में से 81% अभ्यर्थियों ने पेपर दिया। अब बात सियासत की। सरकार इसे छात्रों के हित में लिया फैसला बता रही है तो विपक्ष इसे सरकार की नाकामी से जोड़ रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि सरकार परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा के प्रतिबद्ध है। शिक्षा मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इनपुट के आधार पर यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा रद्द कर दी जाए। यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हुई तो सबसे पहला हमला कांग्रेस ने किया। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को पेपर लीक सरकार ही बता दिया। बीजेपी सरकार का लीक तंत्र व लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक है। नीट परीक्षा में हुए घपले की खबरों के बाद अब 18 जून को ही नेट की परीक्षा भी गड़बड़ियों की आशंका के चलते रद्द की गई। क्या अब जवाबदेही तय होगी? क्या शिक्षा मंत्री इस लचर तंत्र की जिम्मेदारी लेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लोकतंत्र के द्वारा चुनी जाती है या लीक तंत्र के द्वारा? इतने पेपर लीक हो रहे हैं, पुलिस की भर्ती, आरओ का पेपर, उसके बाद नीट का पेपर, नीट के पेपर में धांधलियां और अब यूजीसी नेट का पेपर। अब सरकार कह रही है कि साहब ऐसा लीक हो सकता होगा, सीबीआई को जांच सौंप दी। अरे जो सरकार एक पेपर नहीं करा सकती है, जो देश के भविष्य को, देश के भविष्य के कर्णधारों के शिक्षा को सुरक्षित नहीं कर सकती है, वो सरकार आखिर देश कैसे चलाएगी? यूजीसी नेट की परीक्षा भी निरस्त हो गई और नीट की परीक्षा पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। यूजीसी नेट की वो परीक्षा जो शिक्षक बनाती है, वो शिक्षक जो देश का भविष्य बनाने का काम करते हैं, नीट की परीक्षा जो डॉक्टर बनाती है, जो देश का स्वास्थ्य ठीक करने का काम करती है, ऐसी परीक्षाओं में भी धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, जो बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी परीक्षा बिना पेपर लीक हुए संभव नहीं हो पा रही है। सरकार पर हमला करने आम आदमी पार्टी भी आई। आम आदमी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बीजेपी की निकम्मी सरकार में एक भी परीक्षा बिना धांधली और पेपर लीक के संपन्न नहीं हो रही है। इस सरकार से देश के भविष्य को बड़ा नुकसान हो रहा है। देश के करोड़ों छात्र हर रोज निराशा के अंधकार में डूब रहे हैं। उधर नीट पेपर लीक में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपी अनुराग यादव का कबूलनामा भी सामने आया है। उसने पुलिस के सामने दर्ज कराए बयान में कहा है कि जो प्रश्न पत्र लीक हुआ वही परीक्षा में आया, 100% वही सवाल परीक्षा में पूछे गए थे। मेरे पास ये प्रश्न पत्र एक दिन पहले ही आ गया था। अनुराग का कहना था कि फूफा ने सेटिंग कराई थी और कोटा से पटना बुलवाया था। 67 लड़के 720 में 720 पाए पहली बार, और 36 साल में बस 6 लड़के आज तक 720 में 720 पाए। और सर इस बार ऐसे कितना लड़के हम लोग भी तो पढ़ रहे हैं सर, 2-3 साल से हम लोग को वाराणसी में तो किसी का 720 में 720 नहीं आया। उधर ही के लड़के 67 लड़के 720 में 720 स्कोर किए हैं सर। जरूर कुछ हुआ है तभी सर। 43,000 लड़कों को सर 60 से 70 नंबर का ग्रेस मार्क मिला है सर, हम लोग को ग्रेस मार्क नहीं मिला सर। 67 बच्चों का पहला रैंक आया है, 700 नंबर पे 2000 रैंक है। ये क्लियरली दिखाता है कि पेपर लीक हुआ है और बहुत सारे बच्चों को पेपर मिला है, इसी वजह से मेरिट इतनी बढ़ गई है। आप लोग चाहते क्या है? अब लोग चाहते हैं कि पहले तो जो 67 बच्चों को पहला रैंक दिया गया है उनका एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट करवा ले और देख ले कि सही में वो 720 लायक है कि नहीं है, क्योंकि हम लोग को ये डाउट हो रहा है कि उनमें से बहुत सारे बच्चों ने पेपर लीक करके या गलत तरीके से उतना नंबर पाया। दरअसल 4 जून को नीट परीक्षा का रिजल्ट आया तो पहली बार 67 स्टूडेंट टॉपर बनी और उन्हें 720 में से 720 अंक मिले। टॉपर्स की लिस्ट देखने के बाद नीट परीक्षा में धांधली का मुद्दा उठाया गया। 13 जून को एनटीए ने फैसला लिया कि ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों की परीक्षा दोबारा आयोजित कराई जाएगी, लेकिन अभी भी छात्रों का गुस्सा थमा नहीं है। छात्रों के साथ अन्याय नहीं हो,
अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं है, इसलिए हम मांग करते हैं सीबीआई इंक्वायरी की। गड़बड़ी है, आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है, गुजरात पुलिस जांच कर रही है, अदर स्टेट में जांचें चल रही है। जो अभ्यर्थी पकड़ा रहे हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो इसमें संलिप्त है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जहां पे पढ़ाया गया जहां रीडिंग हुई वो एक्सेप्ट कर रहा है, सारा कुछ हो रहा था, बच्चा क्या गड़बड़ी ये बिल्कुल हो रही है। एजेंसियां सारी जो भी जिनको भी परीक्षा लेने के लिए मिल रहा है वो पेपर लीक कर दे रहा है, ये काफी शर्मसार घटना है। 612 मार्क्स है, पिछली बार इसी मार्क्स पे रैंक अप्रोक्स 23,000 थी और इस बार बढ़कर के 67,000 हो गई है, जो कि दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं कि एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि यूपी में 25,000 रैंक तक अप्रोक्स मिल जाएंगे इस बार सीटें एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएंगे, लेकिन 40 से 45,000 रैंक पे जो वेरिएशन हुए हैं उसका कोई जवाबदेही है ही नहीं, कि कोई ले ही नहीं रहा कि आखिर 40 से 45,000 रैंक आखिर बढ़ी कैसी है। बिहार और गुजरात से सामने आई पेपर लीक की खबरों से एनटीए की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, इसलिए छात्र मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और पेपर लीक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था व्यापम से, अब नीट का आप सबको मालूम है ये ग्रेस मार्क कहां से आ गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, सुप्रीम कोर्ट को गलत लगा, अब उन्होंने आदेश दे दिया, अब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं किसी की गलती ही नहीं। आने वाले 19 और 20 जून को पूरे देश में छात्रों का एक धरना प्रदर्शन हो, हड़ताल का आयोजन हो और वहां से ये मैसेज जाए सरकार को कि आप जो गलत निर्णय पे अडिग हैं वो आपको पीछे हटना पड़ेगा। देश का इतना विश्वसनीय पेपर लीक हो रहा है जिसके अंदर 24 लाख बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, जो बच्चे 16-16 घंटे तैयारी करते थे, केंद्र सरकार उस पर बिल्कुल चुप है। कोर्ट करेगा, कोर्ट क्यों करेगा भाई, सरकार को करना है ना। अब सरकार के सामने कई बड़े सवाल हैं। कोई भी एग्जाम हो पेपर लीक की छाया उस पर पड़ ही जाती है, नीट रिजल्ट को लेकर बवाल हो रहा है, लगातार बवाल जारी है। ऐसे में एक और परीक्षा का रद्द किया जाना परीक्षा एजेंसियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान जरूर खड़ा करता नजर आ रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। सीएम योगी ने